अब तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है जॉन, ड्राइंग तो अब हम बनाएंगे, वो भी मार मार के तुम्हारे चेहरे का। अभी हमारा ऐसा पिटाई नहीं हुआ। कोई बात नहीं घसीटाराम, जिंदगी में बहुत सी चीजें पहली बार होती है। नहीं मोटू, तुम हार मान लो, आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। मोटू पतलू की जोड़ी जैसी कोई जोड़ी नहीं। बुढ़ी बाबा, मैंने 20 साल के तजुर्बा में आज तक ऐसा दोस्त नहीं देखा जो दूसरे को बचाने के लिए खुद को बॉम्ब से उड़ाने के लिए भी तैयार है। मोटू मेरे भाई, क्या हुआ? ऊपर गए थे तो एंटीना भी ले आके। बड़े भैया, उस एंटीना को तो छूना भी मुश्किल है, उन चिड़ियों ने चोंच मार मार के हमारा ये हाल कर दिया। ओए, तुम लोग चारों तरफ देखो, ये क्या हाल कर दिया है, जल्दी कुछ करो वरना मैं तुम चारों का वो हाल करूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। चंद चिड़िया हमें हमारे मकसद को पूरा करने से नहीं रोक सकती यार। मुझे एक चिड़ियों से लड़ने का 20 साल का तजुर्बा है, चलो फिर से चलते हैं। हाँ, और इस बार पूरी तैयारी से चलेंगे। यस यस ओके, देखो तुम लोग पहली लाइन ऑफ डिफेंस हो, पहले तुम लोग उन्हें रोको, हमारी मदद की जरूरत हो तो बताना, हम भी तैयार हैं। दोस्तों, दुश्मन हमारे घरों पर कब्जा करने आ रहे हैं, हमला। अरे अब इनको क्या प्रॉब्लम है? हटो, अरे ये मेरा सिर है, सेब नहीं है जिसे काट रहे हो। ओए नहीं, ये मेरी नाक है यार। अभी तुम्हारा 20 साल का तजुर्बा क्या कहता है? अरे बॉक्सर, लाइन में आओ, देख नहीं रहे कितनी लंबी लाइन है? ओए, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, समझे मुन्ना? अरे चुप रहना वरना यही मार पड़ेगी। अरे चुप रहना वरना यही मार पड़ेगी। अरे तुमको चुप रहने को कहा था उसे नहीं? क्या कहा? मैं चुप रहूं? ये लो। बाबा, मैं
मैंने अपने 20 साल के तजुर्बे में एक ही गलती किया, मोटू पतलू से दोस्ती कर ली। थैंक यू घसीटा राम, तुमने हमारा नया काम शुरू करवा दिया। अरे मेरे कहने पे तुमने ये ऑटो चलाने का काम शुरू किया है, ऑल द बेस्ट, देखना तुम कितना पैसा कमाएगा। घसीटा राम, आज के दिन तुम भी हमारे साथ रहो, हम इस बिजनेस में बिल्कुल नए हैं, हमें कुछ नहीं पता। अरे तुम्हारे कहने पे ही तो हमने ये ऑटो खरीदा है। ऑटो चलाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, चलो आज हम साथ साथ रहेंगे। चिंगम सर, पतलू खो गया है, मुझे 1000 रुपए की सख्त जरूरत है, जल्दी से दे दीजिए प्लीज। पतलू खो गया है सुन के अच्छा लगा, क्यों डॉक्टर झटका? लेकिन सॉरी, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। पतलू मेरे भाई, मेरे यार, बड़ा मजा आया सुन के कि पतलू खो गया है। ओ यार, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, वरना कसम मेरे मरीजों की अभी जरूर दे देता। क्यों घसीटे? उड़ी बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में पहली बार पतलू खोया है। कुछ दिन उसे खोया ही रहने दो। अरे मेरा दोस्त खो गया है और तुम सबको मजाक सूझ रहा है? सब झूठ, सब झूठ, एकदम सफा झूठ। अरे ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोग पतलू को बचाने में मेरी मदद करना ही नहीं चाहते? पानी कम हो रहा है, टैंकर के नीचे पानी है, पाइप पानी खींच नहीं पा रहा, टैंकर को उल्टा कर दो। मम्मी प्लीज, प्लीज मम्मी, नहीं नहीं, उल्टा मत करना। मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं हुआ। मोटू पतलू के साथ कुछ भी सीधी तरह से नहीं होता यार। ओए अम्मा, कोई चीखो चिल्लाओ मत, मेरा हाथ छूट जाएगा। ऐ पतलू, स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, तुम एक बार तो माता की कसम। वाह, अरे क्या बात है, आग बुझ गई, पतलू टैक्स भी करो। तीर चलाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। ओड़ी पापा, मोटू तुम ऐसा क्यों भाग रहे हो, जैसे कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। अरे पूछो मत घसीटा राम, एक हीरो का व्यापारी मेरे घर के सामने गिर गया और उसके तमाम हीरे वहाँ बिखर गए। मेरी ये मुर्गी वहाँ दाना चुग रही थी, उसने गलती से कई हीरे भी खा लिए। उड़ी बाबा मोटू, मेरा 20 साल का तजुर्बा कहता है कि अब मुर्गी के अंडों में हीरे निकलेंगे। अरे यही तो वो व्यापारी भी कह रहा था कि ये मुर्गी उसे चाहिए, इसके अंडों में से हीरे निकलेंगे, और वो मुर्गी के पीछे ही पड़ गया है, मैं इसे लेकर भागा भागा फिर रहा हूँ। जहाँ जहाँ वो टाइगर जाता है, वहाँ वहाँ बैंक में, ज्वेलरी शॉप में चोरियाँ हो रही है, कोई इस टाइगर का फायदा उठा रहा है। जैसे ही टाइगर के डर से लोग भाग जाते हैं, ये चोर चोरी कर लेता है। हो सकता है वो टाइगर खुद ही चोरी कर रहा हो।
ओ पतलू मेरे भाई मेरे यार, तुम टाइगर शौक से गुजर रहे हो इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो यार। ओ भला एक टाइगर चोरी कैसे कर सकता है यार? वो टाइगर बहुत बड़ा है, रियल टाइगर इतना बड़ा नहीं होता है। हो सकता है वो टाइगर नकली हो। चलो, नकली टाइगर पकड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, हम चल के उसे पकड़ लेंगे। और उसे खींचते हुए आपके पास पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। ओके, आई विल वेट फॉर यू। हमें उतार दो, हम पैदल ही चले जाएंगे यार। हाँ हाँ, हमारे पैसे वापस करो और उतार दो हमें, इस बस में बहुत खतरा है। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, जॉन हमें ठीक से बस चलाने नहीं दे रहा है, लेकिन हम कमालपुर पहुँच के ही रहेंगे। मेरा 20 साल का तजुर्बा सब बस को कस के पकड़ के बैठे रहो। अब देखो ऐसे ही उदास बैठा रहता है, कभी पेड़ों को ताकता है तो कभी आसमान को। अरे माँ, इतना बोलने वाला आदमी कुछ नहीं बोलता। ओ यार, ये मोटू को उदासी की बीमारी लग गई है यार। आज फ्रेंडशिप डे है और आज के दिन हम अपने दोस्त को उदास नहीं देख सकते। बूढ़ी बाबा, हमारे 20 साल के तजुर्बा में ऐसा उदास आदमी कभी नहीं देखा। चलो चलो, हम सब मिलके उसको खुश करते हैं। इतनी सुंदर जगह बैठ के मोटू आइसक्रीम खाएगा। हमारा 20 साल का तजुर्बा बता रहा है कि मोटू इधर बैठ के आइसक्रीम खा के एकदम खुश हो जाएगा। ओ यार भाई साहब, यह डाकू वाकू तो नहीं है ना? हाँ हाँ भैया, डाकू तो हैं, पर यहाँ सबसे खतरनाक है कालिया तूफान, आप लोग उससे बच के रहना। बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा भी कालिया तूफान का नाम को भी नहीं सुना। कालिया तूफान, कानून की कसम मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो, तो डाकू लोग है, अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा डाकू को भी नहीं देखा। भागो। समाज सेवा करके लोग बड़े बड़े नेता बन जाते हैं यार, कसम मेरे मरीजों की, हम भी समाज सेवा करेंगे यार। ओली बाबा, हमको तो समाज सेवा करने का 20 साल का तजुर्बा है, ऐसा समाज सेवा करूँगा कि मेयर साहब खुश हो के हमको मेयर बना देगा। भाई यहाँ बहुत कचरा जमा हो गया है, जरा साफ तो कर दो। ओ, कोई बात नहीं यार, अभी साफ कर देते हैं। है? ओली बाबा, हमको कचरा साफ करने का 20 साल का तजुर्बा है, आप भी साफ करता है। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, ये सड़क तो बहुत ही गंदा है, तनी झाड़ू तो लगा दो। ओ, कोई बात नहीं यार, अभी साफ कर देते हैं। ओए यार, ये तो मेरा फर्ज है, अभी लो जी, अभी लो, घसी जाओ, शुरू हो जाओ यार। घसीटा को फोन करता हूँ। हेलो घसीटा भैया, आंधी में हमारे घर की छत उड़ गई है। उड़ी बाबा, छत उड़ गया? हमारा 20 साल का तजुर्बा में हम कभी ऐसे नहीं सुना। तो भैया हम आपके घर में रहने आ रहे हैं। तुम हमारे घर में आएगा, ये घर तुम्हारा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारा सगा संबंधी रिश्तेदार सब गांव से आ गया है, घर में एकदम जगह नहीं है। सॉरी, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा। अरे भैया, ये डॉक्टर झटका का फोन यहाँ कैसे आया? Allow me to introduce Dr. Jhatka and Ghasita Ram. ये देखो, ये रहे दोनों। मेरे बाद इन्होंने अभी घंटे बजाए। Oh no! मेरे 20 साल का तजुर्बा में कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे मैंने 20 साल के तजुर्बे में कभी भूत नहीं देखा,
कि भूत होता ही नहीं है। भूत होते नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। ओ घसीटे, इतना डरो मत यार, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और साइंस ये कहती है कि भूत नहीं होता है, है? है? लेकिन तुम क्या कहते हो? मैं कहता हूँ कि ये तो गया, तुम क्या कहते हो घसीटा राम? भूत को मेरा नाम भी मालूम है, मैं तो कहता हूँ कि भूत होते हैं। दोस्तों, हमने इवेंट मैनेजमेंट का ऑफिस खोला है। हम बर्थडे पार्टी, शादी की पार्टी या किसी भी तरह की पार्टी का सारा बंदोबस्त कर सकते हैं। आपको जो भी पार्टी करनी है बस हमें फोन कीजिए, उस पार्टी का सारा इंतजाम हम करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और उसके बदले हम आपसे बहुत ही कम पैसे लेंगे। पार्टी ऑर्गेनाइज करने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, हम तुम दोनों का मदद करेगा। चिंगम सर, चलो आप मुहूर्त करो और रिबन काटो। आज मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ केक खाऊंगा। चिंगम सर, वो केक नहीं खाओ, नहीं खाओ। अरे वो केक अंदर से साबुन का बना है, ऊपर सिर्फ आइसिंग है। अरे वो सिर्फ शो के लिए था। साबुन कभी कभी केक होता है क्या? कॉपी नहीं देखा। मेरी टोपी, मुझे बम छीनने का 20 साल का तजुर्बा है, अभी देखो। मोटू पतलू मेरे यार, मेरे भाई, हवाई ढाबा अपने किस्म का पहला ढाबा है। हम एरोप्लेन को फोन करके उनसे डायरेक्ट ऑर्डर लेंगे और प्लेन्स में गर्मा गर्म और फ्रेश खाने पीने की चीजें सप्लाई करेंगे, है? जैसे गर्मा गर्म चाय, समोसे, वड़ा पाव, इडली, डोसा, सांबर, तंदूरी चिकन और इस तरह की तमाम चीजें जो प्लेन में ताजी बनी हुई नहीं मिलती। ये मेरा 20 साल का तजुर्बा का नतीजा है। चिंगम सर, आप हमारे मोटू पतलू हवाई ढाबे का मुहूर्त कीजिए, प्लीज। नो, नहीं नहीं, प्लीज सर, प्लीज। आप जैसे इंसान के हाथों से मुहूर्त होगा तो हमारे लिए बहुत लकी होगा। नो, मेरे लिए लकी होगा। अरे ये इतने लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं और इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? अलग अलग शहर से टीम्स दही हांडी फोड़ने जा रही हैं। हांडी में 50 लाख रुपए है और पुरपुरी नगर की कोई टीम नहीं है। हमारे मेयर बहुत दुखी है। अगर हमारी कोई टीम ये 50 लाख रुपए जीत के लाके देती तो मेयर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल के देती। अरे फिर तो हमें भी अपनी टीम बनानी चाहिए ताकि हम 50 लाख जीत के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा सके। चलो हम भी दही हांडी फोड़ेंगे। हांडी फोड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वेरी गुड, मैं मेयर साहब को अब भी कवर करके आता हूँ। तब तक तुम सब टीम बनाओ और प्रैक्टिस शुरू करो। बॉक्सर भैया, तुम, मोटू और जितने तगड़े लोग हो वो नीचे रहो ताकि ऊपर जो है उनका वजन संभाल सको। और हाँ, कम वजन वाले लोग ऊपर जाएंगे। चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ।
जान बनेगा जान, तुम लोगों को सिर्फ मैंने इसलिए वापस बुलाया क्योंकि तुम सबके चेहरे पर डर देखना था। ओके बाय 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 बाय, एंजॉय। इन सबको भेजो आइलैंड। भागो 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 भागो, भूत आया। मगरमच्छ ने हमको भूत बोला। मेरा 20 साल का तजुर्बा में बोलने वाला मगरमच्छ कभी नहीं देखा। अब क्या करेगा? डॉक्टर झटका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्हें ठीक कर दो प्लीज। जान मेरे भाई मेरे यार, इन्हें क्या हो गया? अरे इन्होंने तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। अब आप ही इन्हें संभालो। उड़ी बाबा, तुम लोग इधर आ जाओ। अरे बच्चों को संभालने का हम 20 साल का तजुर्बा है। चॉकलेट पापा चॉकलेट। उड़ी बाबा, डॉक्टर झटका जल्दी करो, तबला तोड़ कोशिश करो, वरना ये लोग तो हमारा तबला बजा देगा। मोटू पतलू से कबड्डी का एक मैच लगाया जाए? अरे ये नहीं खेल सकते, ये मर्दों का गेम है, कोई बच्चों का खेल नहीं। जॉन चैलेंज मत करो वरना हार जाओगे। दम है तो खेल के दिखाओ, खेलो और जीत के दिखाओ। जॉन, हमें तुम्हारा चैलेंज कबूल है, पर यहाँ नहीं और आज नहीं, संडे के दिन सारे फुरफुरी नगर वालों के सामने मैच होगा। तो फिर ठीक है, दोनों का मैच हो जाए। अरे किस में है कितना दम, ये फैसला हो जाए। पतलू, हमने उसे चैलेंज तो कर दिया, लेकिन कबड्डी तो हमने एक जमाने से नहीं खेली, सिर्फ बचपन में ही खेलते थे। अरे मोटू पतलू, तुम हमारा रहते हुए एकदम चिंता मत करो। अरे बाबा, हम तुमको जिताएगा, हमको कबड्डी खेलने का 20 साल का तजुर्बा है। वाह घसीटा राम वाह, मैच जीतने से पहले ही पार्टी। अरे मैं इस मुर्गी से तो हम कबड्डी का ट्रेनिंग कराएगा। जब कबड्डी में सामने वाला खिलाड़ी कबड्डी 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 बोल के आता है तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो बहुत फुर्ती से इधर उधर भागता है। अगर तुम ये मुर्गी को पकड़ने में सफल हो गया तो उसको भी गारंटी पकड़ लेगा, समझा? चलो ट्रेनिंग शुरू करो, पकड़ो। देखिए देखिए, इस साल की सबसे जबरदस्त फिल्म। देखिए देखिए देखिए, एक बार देखने आओगे तो बार बार देखोगे। अब भाई लोगो, यार लोगो, आओ भाई आओ, अब हमारी सुपरहिट फिल्म देख के जाओ। तुम लोगों ने पिछले 20 साल में भी ऐसी फिल्म कभी नहीं देखी होगी। अरे फिल्म देखने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। अरे ये बबल तो बड़ा मजबूत है, किक मारो। किक हम मारेगा, किक मारने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। बोल, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में कभी नहीं देखा। उड़ी बाबा, ए डॉक्टर झटका, ये तुम क्या बनाया? अगर राजकुमार को नहीं हंसा पाए तो तुम्हें पूरी उम्र भर बिना सैलरी के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। राजा जी, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, हमको इसका 20 साल का तजुर्बा है। तो चलो शुरू हो जाओ। एक बच्चा बगीचे में पेड़ पर चढ़ के अमरूद तोड़ रहा था तो उसको बगीचे के रखवाले ने देख लिया। वो बोला, अमरूद चुराते हो, शर्म नहीं आती? मैं आप भी जाकर तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। बच्चा बोला, जाओ जाकर
और शिकायत कर दो पिताजी से। अरे वो भी मेरे साथ दूसरे पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ रहे हैं। रुकिए रुकिए राजा साहब रुकिए, हम डांस करके दिखाते हैं, फिर तो राजकुमार जरूर हंसेंगे। अरे हमारा 20 साल का तजुर्बा है। इन दोनों को बंदी बना लो और अब तुम दोनों जिंदगी भर हमारे यहाँ काम करोगे और वो भी बिना सैलरी के। उस जॉन ने हम पर ऐसा स्प्रे डाला है। चमगादड़ भागने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। जैसे ही चमगादड़ आएगा तुम उस पर शीशा चमका दो, वो तुरंत भाग जाएगा। अरे आ गया आ गया, चमगादड़ आ गया। तुम शीशा चमकाओ शीशा चमकाओ। अरे ये तो उल्टा हो गया, वो इधर ही आ रहे हैं। इस घसीटा राम ने तो मरवा दिया, अब भागो। टॉमिक बिजनेस की बधाई हो मोटू पतलू, लेकिन उद्घाटन के लिए चिंगम सिर कहाँ है यार? है? अरे वो देखो आगे। और चिंगम सिर बाइक पे तो लोग हेलमेट पहन के चलते हैं ये देखा है, पर आप तो पैदल ही हेलमेट पहन के चल रहे हो यार, ऐसा क्यों? अरे माँ, अब मैं मुसीबत से दो कदम आगे चलूंगा ताकि नारियल टूटने फूटने से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई फायदा नहीं चिंगम सर, मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है, हमारा 20 साल का तजुर्बा है। चलो चलो भाई, चिंगम सर को नारियल फोड़ दे दो। थैंक्स सर, चलिए अब हम शहर के राउंड मारने चलते हैं। का साथ तो ऐसे है जैसे मुजरिम और हथकड़ी। मुझे छोड़ दो। स्टॉप स्टॉप तने वफला, तुम्हें कानून की कसम। हमें भी इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहिए। जरूर लेना चाहिए। अरे इसमें मेरा 20 साल का तजुर्बा है, ये देखो। घसीटा राम, हमें भी गाना सिखा दो, हमें ये कॉम्पिटिशन जीतना है। आयो मां डॉक्टर झटका टनल। साल का तजुर्बे में कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे पतलू ट्रेन का छत पे जल्दी कूदो। मुझे पतलू कहाँ हो? हम यहाँ हैं। बड़े भैया हेल्प। बड़े भैया, हम मछलियों का शिकार करने गए थे लेकिन मछलियों ने हमारा ही शिकार कर लिया, चक्कर घिन्नी की तरह नचा के पटक दिया। उड़ी बाबा, मछली तुम्हारा शिकार किया? अरे हमको मछली पकड़ने का 20 साल का तजुर्बा है, हम तुमको सिखाएगा कि मछली कैसे पकड़ता है। नहीं, मैंने कसम खाई है कि मैं मछलियों को पकड़ के दिखाऊंगा। डॉक्टर झटका, बहुत दिनों से हमने कहीं की यात्रा नहीं की, क्यों ना हम टाइम मशीन में कहीं घूमने चले। ओ यार नेकी और पूछ पूछ, मैं भी यही सोच रहा था यार। उड़ी बाबा,
अरे टाइम ट्रेवल का हमको 20 साल का तजुर्बा है, बहुत मजा आएगा। मोटू मेरे भाई, जानती हो ये क्या है? भैया जब तुम्ही को पता नहीं कि ये क्या है तो हमें कैसे पता होगा? ओए मोटू मेरे भाई, ये दवा है इनविजिबल होने की, इसे अगर किसी पे छिड़क दिया जाए तो वो अदृश्य हो जाएगा यार। अरे डॉक्टर झटका, क्यों मजाक करते हो? ओए कसम मेरे मरीजों की, मैं सच कह रहा हूँ यार। ओए जॉन, ओए रुक जाओ, मेरी दवा मुझे वापस दे दे, वापस दे। ओए यार ये मेरी वर्षों की मेहनत का नतीजा है। ओए मोटू मतलब पकड़ो यार। समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये बिल्लियाँ तो हम दोनों के पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे शहद के पीछे मक्खी। ओए मोटू मेरे यार, मेरे प्राण, कसम मेरे मरीजों की, मुझे तो ये लगता है कि वो रोबोटिक बिल्लियाँ है यार। हाँ डॉक्टर झटका ठीक बोलता है, हमारे 20 साल का तजुर्बा में हमने कभी किसी बिल्ली को बाइक चलाते हुए नहीं देखा, वो बिल्ली नहीं है, रोबोटिक बिल्ली है। अगर ऐसे ही खेलोगे तो 10-20 साल में सीख जाओगे। डॉक्टर झटका आपने आइस तो बना दी, लेकिन अब प्रैक्टिस कैसे करें? यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। पूरी बाबा मोटू पतलू, तुम चिंता मत करो, हम तुमको प्रैक्टिस कराएगा और आइस हॉकी खेलना भी सिखाएगा। अरे इस खेल को खेलने का हमको 20 साल का तजुर्बा है, ये देखो। तो बहुत बड़ा आदमी दिखता है, क्या ये लोग भी इधर चाय समोसा खाने के लिए आ रहा है? ओए घसीटे मेरे यार, चाय समोसे की दुकान पे लोग चाय समोसा खाने नहीं आएंगे तो कोई गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए थोड़ी आएंगे। हाँ यार दोस्तों, ये हैं आराम नगर के राजा और मैं इनका मंत्री। आइए आइए राजा साहब, आइए चाय खा लीजिए, समोसा पी लीजिए, मेरा मतलब है कि चाय पी लीजिए और समोसा खा लीजिए। थैंक यू दोस्त, पर हम यहाँ चाय पीने और समोसा खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक खास काम से आए हैं। सुनिए, हमारे राजा साहब का एक लॉकेट चोरी हो गया है या कहीं गिर गया है, जो इनका लॉकेट लाकर देगा राजा साहब उसको माला माल कर देंगे, उसको करोड़पति बना देंगे। और चोर को उम्र कैद की सजा देंगे। एक लॉकेट के लिए उम्र कैद की सजा? हाँ, बात दरअसल ये है कि वो हमारा बड़ा ही चमत्कारी लॉकेट है, जब से हमारे गले में है तब से कोई भी खतरा हमें छू के नहीं गया। वो हमारा खानदानी लॉकेट है, जो कोई भी उसे अपने गले में पहनता है उसे कोई खतरा नहीं रहता। हम उसको ढूंढेंगे। अरे हमको खोई हुई चीज ढूंढने का 20 साल का तजुर्बा है। मिस चिंगम, मैं उसको ढूंढूंगा, वैसे भी पुलिस का तो काम ही है चोरी का माल ढूंढना। बड़े भैया ऐसा कोई काम करो जो आज तक किसी ने भी नहीं किया हो। चलो यार ट्रेन का पंक्चर टायर ठीक करते हैं। अब आप भी मजाक उड़ाने लगे।
मोटू मेरे भाई मेरे यार, मजाक तो होता ही है उड़ाने के लिए। खैर अब मजाक मस्ती बंद और काम की बातें शुरू। हाँ, कोई बड़ा सा काम किया जाए। ठीक है यार, मेरे पास एक आइडिया है। अरे बड़े भैया तो बस सुना डालो। प्लान ये है कि हम लोग मिलकर एक मोबाइल टावर बनाते हैं। उड़ी बाबा, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है और इस काम में हमको 20 साल का तजुर्बा है। मतलब मेरे यार, मेरे भाई आज तुम अकेले, मोटू कहाँ है यार? हाँ? अरे मत पूछो, मोटू ने टीवी पर सुना है कि सच्चे मन से जो भी मांगो वो अपने आप मिल जाता है। वो घर पर समोसे का जाप कर रहा है। उड़ी बाबा, ऐसे भी भला कोई समोसा मिलता है क्या? मेरा 20 साल का तजुर्बा में मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हमें कुछ करना होगा वरना वो दिन भर ऐसे ही बैठा रहेगा। वो एक बार जो ठान लेता है करके ही छोड़ता है। ये हम कहाँ आ गए? अरे ये कैसी जगह है, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा है। चलो आगे चल के देखते हैं। और आगे चलो, इधर भी कोई भी नहीं है। कौन सी दुनिया में आ गए यार हम लोग? उड़ी बाबा, अपना 20 साल का तजुर्बा में हम कभी जानवर को इंसान की तरह घूमते हुए नहीं देखा। ओए, ओए, वो देखो, इंसान आ गए, इंसान आ गए, पकड़ो उन्हें, भागो। अरे ये चिंगम सर की बाइक अपने आप कहाँ जा रही है? जरूर जॉन ने कुछ किया होगा। ये चिंगम सर की चीखने की आवाज तो आ रही है, लेकिन चिंगम सर है कहाँ? अरे पतलू कहाँ हो? वापस आओ। सॉरी, फिर ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। पतलू, डॉक्टर झटका, ये मोटू को हो क्या गया है? वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि हम उसे दिख ही नहीं रहे। ओ मेरे भाई मेरे यार, लगता है चश्मे की वजह से जिंदा चीजें यानी कि लिविंग थिंग्स उसको नहीं दिख रही। जल्दी जाओ यार उसे पकड़ो, तब तक मैं लैब में जाके कुछ और सोचता हूँ। हाँ यार। अरे लोगों को पकड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, चलो पकड़ो। मोटू रुक जाओ, हम आ रहे हैं। किस केव में जा रहे हैं? चलो अंदर चलते हैं। जरूर यहाँ कई सालों पहले सोने की खान थी जो बंद कर दी गई। शायद उसी का असर इन पे हुआ और ये सब के सब गोल्ड के बन गए यार। उड़ी बाबा, हमने 20 साल का तजुर्बा में कभी ऐसा नहीं देखा। अरे हम तो करोड़पति बन गए। उड़ी बाबा, तुम तो एलियन लग रहा है। डॉक्टर झटका ने ये क्या कर दिया? देखो घसीटा राम, झटका ने मुझे इंसान से एलियन बना दिया। चलो उसके पास, उसका ऐसा हाल करूंगा कि उसे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं दिखेगा। मेरा 20 साल का तजुर्बा बोलता है कि पैसा कमाने का टाइम आ गया है। पतलू तुम घर जाओ, डॉक्टर झटका अभी लैब में नहीं है। जब आएगा तो हम तुमको बुला लेगा, लेकिन इस तरह बाहर मत घूमो।